दोस्तों अगर कोई एनिमे के जरिए कुछ बेहद ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और विजुअल्स बना सकता है तो वो है माकोटो शिनकाई। आज माकोटो शिनकाई एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि उनकी मूवीज कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है। अब हाल ही में उनकी नई मूवी सुजु में रिलीज हुई थी, जिसने बाहर की कंट्रीज में क्या इंडिया में तक रहने वाले लोगों के होश उड़ा दिए थे। अब इंडिया में एनिमे की पॉपुलैरिटी देख क्रिएटर्स ने डिसाइड किया था कि वो किसी भी हाल में सुजु में को यहाँ पर रिलीज करेंगे और उनका ये फैसला बेकार नहीं गया। अब रिलीज होने के केवल 10 ही दिनों में इसने यहाँ 6.95 करोड़ रुपए कमा लिए, जो कि एक एनीमे मूवी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। माकोटो शिनकाई की मूवीज न केवल स्टोरी और एनिमेशन के मामले में तगड़ी होती है, बल्कि पैसे भी उतनी ही तगड़ी कमा कर देते हैं। आज मैं आपको इस डायरेक्टर और राइटर द्वारा बनाए गए बेस्ट मूवीज के बारे में बताऊंगा, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। नंबर 6, वॉइसेस ऑफ डिस्टेंट स्टार। दोस्तों अगर माकोटो शिनकाई को कोई चीज बेस्ट तरीके से दिखानी आती है तो वो है उनकी मूवीज के सनसेट्स। वॉइसेस ऑफ डिस्टेंट स्टार में दिखाए गए सनसेट्स वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। अर्थ के नियर फ्यूचर में एक बहुत बड़ी एलियन रेस मार्स पर रहने वाले ह्यूमंस पर हमला कर देती है। हजारों लोग मारे जाते हैं और बदकिस्मती से उनसे लड़ने के लिए ह्यूमंस को भी हथियार उठाने पड़ते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच स्कूल जाने वाले दो बच्चे मिकाको और नोबुरो को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ और अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत जल्द उनकी ये परफेक्ट जिंदगी उजड़ जाती है जब मिकाको को उन एलियन से लड़ने के लिए रिक्रूट किया जाता है। अब देखते ही देखते मिकाको स्पेस में पहुंच जाता है और उसे कोई भी अंदाजा नहीं होता कि वो फिर नोबुरो को देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। मैंने आज तक माकोटो शिनकाई की इससे ज्यादा लोनली मूवी नहीं देखी है। यहाँ तक कि जिन ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करके ओवरऑल मूवी को बनाया गया है वो भी कहीं ना कहीं आपके मन को उदास कर देती है। लेकिन यही तो एनिमे और माकोटो शिनकाई की बेस्ट बात है। केवल विजुअल्स के जरिए वो आपके अंदर ऐसे इमोशंस पैदा कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब ये कहानी उन दो लवर्स की है जिनका सबसे बड़ा दुश्मन डीप स्पेस और डिस्टेंस होता है। मुझे मिस्टर शिनकाई की तारीफ करनी होगी कि साल 2002 में इतने कम हेल्थ के बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बना ली थी। नंबर 5, द गार्डन ऑफ वर्ड्स। दोस्तों जब पहली बार मैंने द गार्डन ऑफ वर्ड्स देखा था तब मुझे याद है कि मैंने अपने पलके तक नहीं झपकाए थे। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि तुमने सबसे ज्यादा विजुअली ब्यूटीफुल मूवी कौन सी देखी है तो बिना कुछ सोचे द गार्डन ऑफ वर्ड्स का नाम ले लीजिएगा। अब मैं जानता हूँ कि पहले ही मैंने माकोटो शिनकाई के एनिमेशन स्किल की तारीफ कर दी है, लेकिन यार आप ही बताइए मैं इन सीन्स के बारे में कैसे आपको नहीं बता सकता। मैं ये तक कहने से नहीं हिचकिचाऊंगा कि ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमेटेड फिल्म्स की कैटेगरी में टॉप पर आती है। एक 15 साल का लड़का टाकाओ और 27 साल की लड़की युकारी एक ब्यूटीफुल लेक साइड गार्डन के पास बारिश के वक्त मिलते हैं। बहुत जल्द वो दोनों उसी जगह पर हर बार मिलने लगते हैं जब बारिश होती है। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता उन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करने में। अब मुझे पता है कि उनके बीच का एज गैप आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन माकोटो शिनकाई ने एग्जैक्टली वही तो किया है। उन्होंने उनके इसी प्रॉब्लम को मेन प्रॉब्लम बनाकर स्टोरी को आगे बढ़ाया है, इस वजह से कहानी बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती। केवल 46 मिनट्स लंबी द गार्डन ऑफ वर्ड्स मूवी एक ट्रेजिक लव स्टोरी को डिपिक्ट करती है, जिसमें हर कैरेक्टर को पता होता है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस मूवी को देखते हुए मेरे अंदर बहुत ही अलग तरह की शांति छा गई थी। जिस तरह से मूवी ने बारिश का इस्तेमाल करके इमोशंस को दर्शाया है, मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट था। नंबर 4, 5 cm/s। दोस्तों ड्रीम्स, लव, हर्ट ब्रेक, माकोटो शिनकाई इन कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को जिस तरह से कैप्चर करते हैं ना, वही उनके बेस्ट फिल्म मेकर होने का कारण है। मुझे पता है कि अभी आप योर नेम, वेदरिंग विद यू और सुजु में जैसी मूवीज के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो 2007 में रिलीज हुई मूवी 5 cm/s के बारे में जानते होंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मूवीज में से एक है। इसे 3 शॉर्ट स्टोरीज में दिखाया गया है। इसके मेन कैरेक्टर भी टोटल 3 है, ताकाकी, अकारी और कानी। सबसे पहले पार्ट में आकारी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है कि चेरी ब्लॉसम्स के पत्ते 5 cm/s के हिसाब से नीचे गिरते हैं। बिल्कुल यही आइडिया पूरी दुनिया में लव के साथ भी दिखाया गया है। दो इंसान 5 cm/s में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उतने ही वक्त में एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। 5 cm/s मूवी ने ये आइडिया दिया था कि अपने प्रेसियस लोगों से बिछड़ने के बाद हमारी जर्नी खत्म नहीं होती, बल्कि वो तो हमारी जर्नी का अटूट हिस्सा बन जाते हैं। वो दो लोग केवल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ
ऑफ टाइम के लिए एक साथ सही थे और उन्हें जाने देना कोई गलत बात नहीं है। अब देखो, केवल मिस्टर शिनकाई ही है जो इस कॉन्सेप्ट को इतने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे कर सकते हैं। नंबर 3, वेदरिंग विथ यू। दोस्तों, अब हम उन मूवीज के बीच आ गए हैं जिनके बारे में आपने पक्का सुना ही होगा। अब वेदरिंग विथ यू की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये कहानी एक हाई स्कूल स्टूडेंट की है जो अपने घर से दूर भाग जाता है और हीना अमानो नाम की एक लड़की से मिलता है। इस लड़की के पास मिस्टीरियस पावर्स होती है जिससे वो जब मन चाहे तब मौसम को बदल सकती है। अब ये न्यू एज टीन रोमांस स्टोरी अपने विजुअल्स और एनिमेशन से केवल कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान खींच लेगी। माइथोलॉजी और फैंटेसी का एलिमेंट इस्तेमाल करके दो लवर्स के बीच के हार्ट ब्रेक को दिखाना कोई माकोडो शिनकाई से सीखे। उन्होंने साल 2016 में योर नेम के साथ ये किया था और फिर 2019 में दोबारा वेदरिंग विद यू के साथ भी यही किया। उस वक्त जब ये मूवी इंडिया में रिलीज हुई थी तब केवल कुछ ही दिनों में इसने 1.25 करोड़ रुपए कमा लिए थे। इसके अलावा इसने वर्ल्ड वाइड 193.8 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। नंबर 2, सुजुमे। दोस्तों, सुजुमे की कहानी बिल्कुल दूसरी शिनकाई मूवीज की तरह बहुत ही यूनिक है। सुजुमे एक 17 साल की लड़की है जो अपने आंट के साथ रहती है। अचानक उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस आदमी से होती है जिससे मिलने के बाद वो एक अल्टरनेट डायमेंशन का पोर्टल खोल लेती है। अब ये रिवील होता है कि ये पोर्टल खोलकर उसने दुनिया के ऊपर तबाही छोड़ दी है। दाइजीन नाम का एक कैट ऐसे ही दरवाजे खोलकर जायंट वॉर्म को रियल वर्ल्ड में लाना चाहता है और हर जगह अर्थक्वेक से तबाही मचाना चाहता है। मतलब दाइजीन एक तरह का गार्ड होता है जो वहां से भाग जाता है। उसे रोकने के लिए सुजुमे की मदद केवल वो अनजान आदमी कर सकता है, लेकिन उसे भी दाइजीन एक 3-legged chair में कन्वर्ट कर देता है। ये रोड ट्रिप मूवी बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ भरी हुई है और बिल्कुल दूसरे माकोडो शिनकाई मूवीज की तरह बेहद ही अलग है। अब अगर ये मूवी आपने अभी तक नहीं देखा है तो यार जरूर जाकर देखना। खास करके सिनेमा हॉल का जो फीलिंग था ना, वो एकदम अलग ही लेवल का था। नंबर 1, योर नेम। दोस्तों, बदकिस्मती से दूसरी कोई भी माकोडो शिनकाई की मूवी इस मूवी के कंपैरिजन में आगे नहीं आ सकता। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी शायद ही कोई मूवी योर नेम को टक्कर दे पाएगी, फिर वो चाहे एनिमेशन के मामले में हो या फिर स्टोरी लाइन के मामले में। अब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिन लोगों को लव स्टोरीज वाली मूवीज पसंद नहीं थी उनकी आंखों में भी योर नेम को देखने के बाद आंसू आ गए थे। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही ब्यूटीफुल मीटियोर शावर के साथ। मिट्सुआ नाम की एक लड़की जो एक छोटे से खूबसूरत गांव में रह रही होती है, वो ऊपर देखकर विश मांगती है कि काश अगले लाइफ में वो एक सिटी में रहने वाला लड़का बन जाए। उसे पता नहीं होता कि अगले ही दिन उसकी विश पूरी हो जाएगी। अचानक मिट्सुआ की आंखें खुलती है और वो टाकी की बॉडी में होती है। वही टाकी मिट्सुआ की बॉडी में पहुंच जाता है। बस यही से मूवी में जो ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं ना, आप उनके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, माकोडो शिनकाई सनसेट्स दिखाने में बेहद ही टैलेंटेड है। योर नेम मूवी के एक पर्टिकुलर सीन में भी उन्होंने सनसेट के साथ हार्ट ब्रेक और ट्रेजेडी को दिखाया है। अब उस ट्विस्ट के बाद आपकी आंखें सूखी रह ही नहीं पाएंगी। मूवी की एंडिंग भी बेहद ओपन है। हमें बताया नहीं जाता कि अंत में मिट्सुआ और टाकी एक होते हैं या नहीं होते, लेकिन इसके बाद भी मूवी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। अब देखो, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लिस्ट में मौजूद कोई भी मूवी मत देखे, लेकिन योर नेम जैसी मास्टरपीस को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप एक सच्चे एनिमे लवर हो तो इस मूवी को जरूर जाकर देखना। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से आपका मोस्ट फेवरेट कौन सा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको ऐसे एनिमे मूवीज की लिस्ट चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं अगले वीडियो में भी ट्राई करूंगा कि ऐसा ही कोई लिस्ट लेकर आऊं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।